आज यहाँ पर जो ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, साथ ही साथ जनरल हेल्थ चेकअप कैंप हो रहा है ममता हॉस्पिटल रायपुर से, और हमारे बीच इस कैंप में उत्साह वर्धन करने के लिए हमारे सीआरपीएफ के कमांडेंट जो है जोश सर हमारे साथ मौजूद हैं। आज का उनका अनुभव हम आपसे जानना चाहेंगे सर। आज हम बहुत खुश हैं कि इधर इतना बढ़िया एक मेडिकल कैंप लगा रहा है, साथ में ब्लड डोनेशन कैंप है। तो ब्लड डोनेशन हम हमेशा इनक्रेज करना चाहिए, क्योंकि जब हम ऑप्स में है हम ऑपरेशंस करते रहता है, बाकी टाइम पर हमारा कोशिश ये है कि हम समाज में भाईचारा बढ़ाना चाहता है। हम सभी को ये बताना चाहता है इधर का हर व्यक्ति हमारा भाई है, हमारा बहन है। तो आज हम भी इधर ब्लड डोनेट कर रहा है, एंड हमारे ब्लड कोई हमारा भाई का काम आ जाएंगे। तो हर फोर्सेस भारत का सेवा में है, और नॉट ओनली इन फाइटिंग ऐसे सिंपल एक्टिविटीज़ में भी हम कोई भी एनजीओस कोई भी अच्छा काम करने के लिए समाज में आगे बढ़ रहा है उनको पूरा सपोर्ट देने के लिए हम साथ में है। जय हिंद। थैंक यू सर। सर और एक बात मैं आपको जानना चाहता हूँ, मेरा 25 साल का अनुभव है। हाँ। तो ये जो सीआरपीएफ जब कैंप लगा बहुत साल हो गए। हाँ। लेकिन एक चीज़ आप आने के बाद कुछ अलग परिवर्तन नज़र आ रहा है, आप लोग सोशल फंक्शंस में अटेंड कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? ज़्यादा संख्या में आप आ रहे हैं, बहुत प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। देखो हर इंडिविजुअल का अलग अलग सोच विचार है, अलग अलग फिलोसफी है, अलग अलग प्रायोरिटीज़ है। मेरा विचार ये है कि जब मैं इधर हूँ हमारा मेन काम नक्सल के साथ लड़ना, वो तो चलते रहेगा। उसके अलावा जब भी हमारा फ्री टाइम होता है उस टाइम में अगर मैं कुछ कर सकता है इस समाज के लिए, देन आई एम ए यूजफुल मैन, अदरवाइज आई एम ए यूजलेस फेलो। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। सो मेरा वक्त, मेरा रिसोर्सेस, मेरा मैन पावर, ये सब इस समाज का सेवा में हमेशा रहेगा। ऐसे रहेगा तो इट इज़ माई सेटिस्फैक्शन, इट इज़ अ मैटर ऑफ पर्सनल सेटिस्फैक्शन फॉर मी दैट आई एम डूइंग ऑल दीज थिंग्स। सो आई टेल एवरीबडी, एनी ऑर्गेनाइजेशन हु इज रेडी टू प्रोग्रेस विद एनीथिंग आई एम ऑलवेज देयर। वी डोंट गो इन टू पोलिटिकल पार्टीज फंक्शंस, वी डोंट गो इन टू रिलीजियस फंक्शंस, बट ऑल अदर सोशल एक्टिविटीज, एनीथिंग डन फॉर द गुड ऑफ द पुअर पीपल, वी आर ऑलवेज देयर विथ फुल सपोर्ट। ये हमारा एक ड्यूटी समझ रहा है हम। थैंक यू। तो ये गिलबर्ट साहब ने जो बताया वो कुछ अंग्रेजी में बताया, मैं उसको सारांश आपको बता देना चाहता हूँ। उनका कहना है काम आप कुछ भी करो लेकिन आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो एक इंडिविजुअल अनुसार वो चाहते हैं कि जितने ज़्यादा समाज में अच्छे काम हो उस काम में मैं भी शरीक हूँ, मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ। इस प्रकार का सोच विचार के लिए केती टीवी उनको सर वी कंग्रेचुलेट फॉर दिस टाइप, आपके इस प्रकार के सोच के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सुरेश आचार्य केती टीवी के लिए गणपति प्लेस। सीआरपीएफ के जवान भी उत्साहित होकर ब्लड दे रहे, आइए उनसे अनुभव साझा करते हैं। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम अरविंद गांगुली, हम सीआरपीएफ कैंप से है, और हर साल जब भी यहाँ ब्लड डोनेशन हो चाहे कोई भी कैंप मनाया जाता है तो हम उसमें शामिल होते हैं। और हमारा कोशिश ये है कि हमारे बल द्वारा जैसे कि लोगों तक जो सहायता है वो पहुँचाया जाए, और हम हर साल जब भी होते हैं ब्लड डोनेशन तो हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और हमें खुशी मिलती है कि हमारे द्वारा किसी को सहायता हो। थैंक यू। आप सर, आपका नाम सर?
सर मेरा मुनीश शर्मा है, मैं सीआरपीएफ अभी सिल्दा कैंप से। तो अभी खड़िया रोड में ब्लड डोनेशन के लिए हमको इनवाइट किया था, तो हम लोग जब भी ब्लड डोनेशन का होता है तो हम हर बार इधर आता है और पार्टिसिपेट करते हैं, जितना हमसे हो सकता है कि हम पूरा सहयोग करते हैं।